प्लीज़ इंटर वैलिड डिटेल्स। यानी दोस्तों अगर आप IBB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए अपने सही कस्टमर आईडी, सही अकाउंट नंबर, सही डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जब आप सबमिट करते हैं तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम शो हो रहा है कि प्लीज़ इंटर वैलिड डिटेल्स, यानी आपका डिटेल्स को यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे प्लीज़ इंटर वैलिड डिटेल्स वाला प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इस प्रॉब्लम क्या वजह से हो रहा है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, क्या करने से आप IBB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे, उसका पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों ये प्लीज़ इंटर वैलिड डिटेल्स वाला जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था और इसका मैंने सॉल्यूशन भी निकाल चुका हूं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम से बचना है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है प्लीज़ इंटर वैलिड डिटेल्स, ये प्रॉब्लम दोस्तों तीन अलग अलग वजह से, तीन अलग अलग रीजन से ये एक ही प्रॉब्लम खड़ा होता है कि प्लीज़ इंटर वैलिड डिटेल्स। इसमें से जो पहला रीजन है दोस्तों, जब आपने IBB मोबाइल बैंकिंग ओपन किया था उस वक्त आपका जो कस्टमर आईडी और आपका अकाउंट नंबर अगर आपको किसी कागज़ के टुकड़े पर या किसी जगह पर आपको लिख के दिया था, तो उसी वक्त शायद आपका वही कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर पर कुछ गलती लिख दिया है, इसीलिए आपको ये प्लीज़ इंटर वैलिड डिटेल्स, यानी आपका जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को इनवैलिड बता रहा है। अगर ऐसा है, अगर आपको डाउट लग रहा है कि आपका शायद कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर पे ही आपको गलती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपका जो IBB का जो कस्टमर केयर नंबर है उस कस्टमर केयर नंबर पे आपको कॉल करना है, कॉल करके आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करना है, कॉल करके आपको बताना है कि आपका कस्टमर आईडी और आपका अकाउंट नंबर आपको पता नहीं है, भूल गए हैं, तो आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए जब कॉल करेंगे तो आपका कुछ वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपका नंबर, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका सही कस्टमर आईडी और सही अकाउंट नंबर आपको बता दिया जाएगा। ओके, और इनवैलिड डिटेल्स होने का दूसरा रीजन, दूसरा वजह यह है कि दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ सही है लेकिन प्रोसेस गलत है। यानी दोस्तों आप जब कस्टमर आईडी, सही अकाउंट नंबर, सही डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं फिर भी इनवैलिड आपको बता रहा है प्लीज इंटर वैलिड डिटेल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी दोस्तों उसमें आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाला था आपने सही डेट ऑफ बर्थ ही डाला है, लेकिन आपका जो डेट ऑफ बर्थ डालने का जो प्रोसेस है, डालने का डेट ऑफ बर्थ डालने का जो तरीका है, उस तरीके में आपने कुछ मिस्टेक किया है। इसमें क्या प्रोसेस है डेट ऑफ बर्थ डालने का दोस्तों, यहाँ पे आप गौर कीजिए कि आप जब डेट ऑफ बर्थ पे डालेंगे सबसे पहले तो आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना होता है, कैलेंडर में जाके आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ का ईयर जब सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है, मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ का डेट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर के जरिए आपका डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका IBB मोबाइल बैंकिंग में वैलिड डिटेल्स हो जाएगा, लॉगिन आप कर पाएंगे। फिर भी अगर डेट ऑफ बर्थ भी आपने सही प्रोसेस से, सही तरीके से आपने सबमिट किया और आपका कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर भी आपका सही है, तो फिर भी आपका इनवैलिड डिटेल्स यानी प्लीज इंटर वैलिड डिटेल्स का ही प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो इसका तीसरा रीजन क्या है दोस्तों? इसका तीसरा रीजन है कि आपका बायोमेट्रिक में या KYC में आपका प्रॉब्लम है। यानी दोस्तों आपको अगर लग रहा है कि आपका बायोमेट्रिक में या KYC में ही प्रॉब्लम है, तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपको पोस्ट ऑफिस का यानी IBB का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, जाके आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट आस में आके आपको क्लिक करना है, क्लिक करके आपको रीच आस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस का जो IBB का कस्टमर केयर नंबर है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस नंबर पर आपको कॉल करना है, कॉल करके आपको यहाँ पे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करना है, का बात कर लेना है कि आपको कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको सही सही बता देना है कि आपका कस्टमर आईडी क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब बताने के बाद में आपको बताना है कि आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, तो एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपका IBB के साथ, वो प्रॉब्लम अगर कस्टमर केयर से सॉल्यूशन निकल जाता है तो वो लोग आपको तुरंत आपका इनवैलिड डिटेल्स को, प्लीज़ इंटर वैलिड डिटेल्स वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर वहाँ से आपका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है कस्टमर केयर से भी, तो आपको क्या करना होगा, आपका बायोमेट्रिक देना ही पड़ेगा, यानी आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, बायोमेट्रिक देके आपको आपका जो इनवैलिड डिटेल्स वाला प्रॉब्लम है उसको आपको हटाना होगा। और ये बायोमेट्रिक देने के लिए आपको नियरेस्ट आपका जो IBB सेंटर है यानी आपका पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में जाना है, जाके आपको प्रॉब्लम को बता देना है कि आपका IBB मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन नहीं हो रहा है, प्लीज़ इंटर वैलिड डिटेल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी आपका डिटेल्स को इनवैलिड बता रहा है। तो ऐसे में क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस वाले आपका फिर से दोबारा बायोमेट्रिक लेंगे, बायोमेट्रिक लेके आपका KYC को कंप्लीट कर देंगे। ओके, KYC कंप्लीट, बायोमेट्रिक के जरिए जब KYC आपका कंप्लीट हो जाएगा IBB अकाउंट के साथ, तो आपका जो इनवैलिड डिटेल्स का प्रॉब्लम है, प्लीज इंटर वैलिड डिटेल्स का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हट जाएगा। और ये IBB अकाउंट में बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम कब आता है दोस्तों, मान लीजिए कि आपने IBB अकाउंट ओपन किया, ओपन करने का बहुत दिन बाद तक, बहुत दिन तक आपने कोई IBB अकाउंट आपने लॉगिन नहीं किया, आपने
आईबीबी मोबाइल बैंकिंग के जरिए। ओके, तो ऐसे में भी आपका जो बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम आ जाता है या आपने आईबीबी अकाउंट ओपन किया, ओपन करने के बाद में आपने आईबीबी अपने मोबाइल के जरिए आपने कभी ओपन किया नहीं लेकिन आपका आधार कार्ड में आपने कुछ चेंज कर दिया है, ओके, तो ऐसे में भी आपका बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम आ जाता है आईबीबी अकाउंट में। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपका इनवैलिड डिटेल्स का, प्लीज इनवैलिड डिटेल्स का प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का वजह ये बायोमेट्रिक हो सकता है, पहले का दो वजह आपने ट्राई कर लिया लेकिन पहले का दो वजह से आपका फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकला, मतलब इनवैलिड डिटेल्स ही बता रहा है, प्लीज इनवैलिड डिटेल्स ही बता रहा है आपको, तो आपका ये तीसरा वजह होगा कि आपका बायोमेट्रिक, अगर बायोमेट्रिक है तो आपको आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस चले जाना है, जाके आपको बायोमेट्रिक देके फिंगरप्रिंट देके आपका आईबीबी मोबाइल बैंकिंग को आपको फिर से दोबारा उसको एक्टिव करा लेना होगा। उसके बाद आप आसानी से आपके मोबाइल के जरिए आसानी से ओटीपी डिटेक्ट करके आप लॉगिन कर पाएंगे। और यहाँ पे और एक प्रॉब्लम दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है और ये प्रॉब्लम के बारे में मुझे हमेशा कमेंट मिलता ही रहता है और ये प्रॉब्लम है कि जैसे ओटीपी का प्रॉब्लम, यानी दोस्तों सब कुछ सही डालने के बाद कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही डालने के बाद जब ओटीपी भेजते हैं तो ओटीपी आ जाता है लेकिन वो ओटीपी नहीं लेता है, यानी ओटीपी एक्सेप्ट नहीं करता आईबीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो ऐसे में क्या है कि दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों होता है, आप खुद ओटीपी डालने के लिए ट्राई करते, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आप जिस डिवाइस पे, जिस मोबाइल पे आप आईबीबी मोबाइल बैंकिंग ओपन करेंगे उसी मोबाइल पे वो सिम डालना होगा आपको, यानी आईबीबी मोबाइल बैंकिंग जो सिम आपका रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वही मोबाइल नंबर आपको डालना है उसी मोबाइल पे। ओके, डालने के बाद जब ओटीपी आप भेजेंगे वो ओटीपी आपका मोबाइल पे जब आ जाएगा आपका मैसेज बॉक्स में, वो मैसेज बॉक्स से आईबीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप क्या करेगा, ऑटोमेटिक उस ओटीपी को डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट करके आईबीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप का जो ओटीपी का डालने का जो जगह है उस जगह पे ओटीपी ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। ओके, डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक ओटीपी सबमिट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका ओटीपी का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इस तरह का नया नया वीडियो मिलता रहे।